होली में अब महज कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में बीकानेर की होली मस्ती, मिठाई और नमकीन के लिए जानी जाती है। होली के नजदीक आते ही शहर में फाल्गुनी बयार छाने लग गई है। होली पर यहाँ खाने की कई स्पेशल चीजें मिलती हैं। इनमें बीकानेर का भुजिया मिलता है। होली पर मिलने वाला यह भुजिया कोई साधारण भुजिया नहीं होता, बल्कि इस भुजिया को खाने से होली की मस्ती छा जाती है, यानी थोड़ा नशा रहता है। यहाँ स्पेशली होली पर भांग का भुजिया बनाया जाता है। इस भुजिया को पूरा शहर बड़े चाव से खाता है। इस भुजिया को छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग भी खाते हैं। दुकानदार राजकुमार ने बताया कि बीकानेर में स्पेशल भांग का भुजिया बनाया जाता है। यह भुजिया साल में सिर्फ 15 से 20 दिन ही बनाया जाता है। यह भुजिया करीब 2 माह तक खराब नहीं होता है। यह बाजार में भांग का भुजिया 400 रुपये किलो बेचा जाता है। यह साधारण भुजिया से थोड़ा महंगा होता है। वे बताते हैं कि भांग महादेव के चढ़ाई जाती है, इससे कोई नशा नहीं होता बल्कि मस्ती रहती है। इस भुजिया को खाने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। होली के त्यौहार पर यह भुजिया बनाया जाता है। होली निकलने के बाद यह भुजिया नहीं बनाया जाता। रोजाना करीब 20 से 30 किलो भुजिया बनाए जाते हैं। अभी तो थोड़ा भुजिया कम बनाए जा रहे हैं। जैसे जैसे डिमांड आएगी, होली नज़दीक आएगी, तो इसके भुजिया की डिमांड भी बढ़ेगी और भुजिया बड़ी मात्रा में बनाए जाएंगे। होली के त्यौहार के अंदर क्या है, यहाँ भांग भुजिया होती है। ये महादेव के चटकी है, इसमें कोई नशा युक्त नहीं होता है। भांग ये क्या है, तरी की चीज़ है। ये दूध में हरेक आदमी इसको खा सकते हैं। कोई नुकसान का आइटम नहीं है और ये सब शहर के अंदर है। ये शहर के अंदर त्यौहार के कारण ही 10-15 दिन माल बनता है। अच्छा। उसके बाद में आपको होली निकलने के बाद दूसरे दिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। 10-20 किलो तो नॉर्मल है, तो सस्ता ही है। अच्छा। तो शहर की आबादी है, आबादी क्या भाव बेच रहे हैं आप है? आप क्या भाव बेच रहे हैं भुजिया? ये भुजिया 400 रुपये किलो। इसमें मसाले ये प्योर मोट का होता है। अच्छा। और मोट के अंदर उसके साबुत मसाले पड़ते हैं इसके अंदर। अच्छा। जैसे लौंग, दौतरी, जायफल, इलायची, तो बच्चे भी एक भुजिया खा ले, उसको नुकसान नहीं होगा। और कितना समय तक चलता है ये भुजिया? कितने दिन खराब नहीं होता ये? ये भुजिया तो ऐसे 2 महीने खराब नहीं होगा।